हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है इसके, आप देख रहे हैं रोड राइडर्स व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं क्लच के बारे में, क्लच कैसे वर्क करता है और इसके साथ को क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, और साथ ही देख लेंगे कि स्लीपर क्लच कैसे वर्क करता है और उसका जो कंपोनेंट्स वगैरह है। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करिए दोस्तों रोड राइडर्स व्लॉग्स यूट्यूब चैनल को और साथ ही दबा दीजिए बेल का आइकन प्रोडक्ट रिव्यूज़, मोटरसाइकिल और ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियोज़ सबसे पहले पाने के लिए। क्लच हमारे बाइक का काफ़ी सिंपल मैकेनिज्म है अगर आप देखें तो, और क्लच का जो काम है वो है इंजन का जो पावर है क्रैंक से जो मिलता है उसको कनेक्ट या फिर डिसकनेक्ट करना, रियर व्हील तक जो पावर जाता है। तो बेसिकली जो हम लोग क्लच लीवर को पुल करते हैं तो पावर जो है जो क्रैंक से हमको मिलता है वो डिसइंगेज हो जाता है, मतलब डिसकनेक्ट हो जाता है। और जब हम लोग लीवर को वापस छोड़ते हैं क्लच लीवर को, तो क्लच जो है वो एंगेज हो जाता है और जो पावर है उसको वो ट्रांसमिट होने लगता है रियर व्हील तक। तो क्लच का जो कंपोनेंट्स देखे काफ़ी सिंपल है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मैकेनिज्म नहीं है अगर आप समझने की कोशिश करें तो। यहाँ पे अगर सिंपल तरीके से देख ले तो यहाँ पे रहता है आउटर बास्केट जिसका काम जो रहता है जो हमारा जो पावर ट्रांसमिट हो रहा है क्रैंक से उसको ट्रांसमिट करना रियर व्हील तक। और जो रहता है यहाँ पे इनर बास्केट, जब हम लोग क्लच को पुल करते हैं तो ये इनर बास्केट जो है वो एंगेज हो जाता है। इसी के साथ ही रहता है क्लच पैक, क्लच पैक में रहता है प्लेट्स, जैसे कि आपको पता ही होगा आपने देखे भी होंगे क्लच प्लेट्स, मैकेनिक बोलते हैं कि जल गया है इसको चेंज करना होगा। तो क्लच प्लेट्स में भी दो तरह के प्लेट्स यहाँ पे रहते हैं, एक होता है मिडल प्लेट और एक होता है फ्रिक्शन प्लेट। फ्रिक्शन प्लेट जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है आउटर बास्केट है उसके साथ, आउटर बास्केट ही जो पावर है वो ट्रांसमिट करता है रियर व्हील तक। और ये फ्रिक्शन प्लेट भी जो है, फ्रिक्शन प्लेट हेल्प करता है उस पावर को ट्रांसमिट करने में। ये मेटल प्लेट्स डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है आपके इनर हब के साथ या फिर इनर बास्केट कह लीजिए आप उसके साथ। तो ये फ्रिक्शन प्लेट का जो टीथ रहता है वो आउटर साइड में बना हुआ रहता है और मेटल प्लेट्स का जो टीथ रहता है वो इनर साइड में बना हुआ रहता है। तो इससे आप जाहिर से बात है सब समझ सकते हैं कि जो फ्रिक्शन प्लेट है वो डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है आपका आउटर हब के साथ और जो मेटल प्लेट है वो आपका कनेक्टेड रहता है इनर के साथ। यानी कि जब आप क्लच को पुल करते हैं तो ये जो स्टील प्लेट्स है वो आपके इंगेज हो जाते हैं, वो घूमने लगते हैं। क्लच को जब आप रिलीज करते हैं तो ये फ्रिक्शन प्लेट काम करने लगता है और इसी के साथ जो आउटर जो बास्केट है वो जो है पावर को वापस ट्रांसमिट करने लगता है इंजन का जो पावर है उसको रियर व्हील के साथ। प्लेट्स आप लोग समझ गए होंगे, प्लेट्स का दोनों फंक्शन, फ्रिक्शन प्लेट और स्टील प्लेट। और मैं आपको एक और यहाँ पे चीज़ बता दूँ कि जो स्टील प्लेट है वो कभी कभी एल्युमिनियम प्लेट, एल्युमिनियम का ही बना हुआ रहता है। तो जो रेस बाइक्स होती हैं उनमें एल्युमिनियम प्लेट्स लगा हुआ रहता है ताकि जो वेट है उसको कम किया जाए। तो हाई एंड बाइक्स में आपको कभी कभी हो सकता है कि एल्युमिनियम प्लेट्स भी देखने को मिले। अब इसका जो लास्ट कंपोनेंट है हमारे क्लच सिस्टम का वो है इसका प्रेशर प्लेट। तो स्प्रिंग्स के जरिए जो प्रेशर प्लेट है वो प्रेशर तैयार करता है और ये जो सारा क्लच पैक है उसको आपको कंप्रेस करके रखता है जिससे जब आप हमको क्लच को रिलीज करते हैं तो मैक्सिमम हमारा जो एनर्जी है, जो हमें मैक्सिमम जो पावर है वो ट्रांसमिट हो सके। कभी कभी आप देखेंगे कि किसी किसी बाइक का जो क्लच है वो हेवी रहता है, इस वजह से हेवी रहता है क्योंकि जो स्प्रिंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा टाइटली यू नो इंगेज किए हुए रहते हैं, जिस वजह से जो मैक्सिमम पावर है इंजन का वो ट्रांसमिट हो सके रियर व्हील तक। इसलिए कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि हेवी क्लच है, काफ़ी हार्ड क्लच है। तो यही रीज़न है कि जो क्लच है वो हार्ड रहता है लीवर जो रहता है पुल करने में। तो यहाँ पे आप बेसिकली असेंबली समझ गए होंगे, क्लच की जो असेंबली है आउटर बास्केट, इनर बास्केट, हमारा क्लच प्लेट, फ्रिक्शन प्लेट और स्टील प्लेट, और उसके ऊपर रहता है हमारा प्रेशर प्लेट, और प्रेशर प्लेट को प्रेशर बनाने में हेल्प करता है जो स्प्रिंग्स है वो। तो बेसिकली ये जो है हमारा कंपोनेंट्स है पूरे क्लच सिस्टम का। अब हम लोग जान लेते हैं कि स्लीपर क्लच कैसे काम करता है, स्लीपर क्लच का यूज़ क्या है। तो बेसिकली जब भी आप एग्रेसिव डाउनशिफ्ट करते हैं या फिर अपने रेस में देखा होगा MotoGP वगैरह में कि जब लोग बहुत एग्रेसिवली डाउनशिफ्ट करते हैं गियर, बाइक काफ़ी स्पीड से काफ़ी स्लो हो जाती है, तो ये एग्रेसिव जो डाउनशिफ्ट होता है तो इसमें एक बैक टॉर्क जनरेट होता है। नॉर्मली अगर आप बाइक चला रहे हैं 100 या उससे पार और अचानक से आपको गियर कम करना पड़े, गियर घटाना पड़े, तो यहाँ पे एक बैक टॉर्क जनरेट होता है जिससे आपका जो रियर व्हील है बाइक का वो थोड़ी समय के लिए लॉक हो जाता है और यहाँ पे बाइक जो है स्किड होने का चांसेस यहाँ पे रहता है अगर आप सही से बाइक को कंट्रोल नहीं कर पाए उस टाइम पे। तो इसी चीज़ को यहाँ पे अवॉइड करने के लिए जो है स्लीपर क्लच इंट्रोड्यूस किया गया है। और यहाँ पे स्लीपर क्लच का बहुत डिफिकल्ट मैकेनिज्म नहीं है अगर आप देखें तो, मैं आपको अगर समझाऊँ तो बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे आप समझ जाएंगे।
बेसिकली यहाँ पे जो हमारा इनर हब है उसी का यहाँ पे दो पीस कर दिया गया है, और सब जो क्लच का सिस्टम है वो सेम है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल जो हमारा क्लच सिस्टम रहता है। बस यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो है यहाँ पे जो हमारा इनर हब रहता है, इनर बास्केट है, उसके यहाँ पे दो पीसेस कर दिए गए हैं और उसमें रैम्प्स बिल्ड कर दी गई है, जिससे जब हम लोग डाउन शिफ्ट करते हैं, गियर घटाते हैं एग्रेसिवली, तो क्या होता है कि जो रैम्प्स है वो जो इनर बास्केट है उसको थोड़ा सा लिफ्ट कर देता है, और लिफ्ट करने से जो हमारा प्रेशर प्लेट है वो भी थोड़ा सा लिफ्ट हो जाता है, और इससे क्या होता है कि जो हम क्लच पुल करने पे जो इफेक्ट तैयार होता है वो इफेक्ट वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो जनरेट करता है, और जैसे ही बैक टॉर्क जनरेट होता है वो तभी ये जो सिस्टम है ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे होता है। तो इससे इसी तरह जो है स्लीपर क्लच बेसिकली काम करता है। अब यहाँ पे क्या है कि स्लिप एंड ग्रिप क्लच भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे कि आप एक्सलेट करते हैं तो भी यहाँ पे सेम वही इफेक्ट होता है, सेम इफेक्ट बैक टॉर्क हैंडल करने में बनता है, वो वहाँ पे टॉर्क जनरेट करने में बनता है। ये स्लीपर क्लच का सेंसिटिविटी है ये डिपेंड करता है कि आपका जो मेटल जो स्टील का प्लेट्स है वो कितना थिक रहता है, बेसिकली 2 mm थिक रहता है, तो ये डिपेंड करता है कि कितना थिक जो स्टील का प्लेट है वो बनाया गया है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि स्लीपर क्लच का वर्किंग क्या है और कैसे हमारा नॉर्मल क्लच वर्क करता है, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स हैं। और मैं बता दूं, अगर क्लच को आपको अच्छा रखना है तो आपको टाइम टू टाइम आपको इंजन ऑयल चेंज करना पड़ेगा, और बाइक को जो है हम जैसे देखते हैं मोटो जीपी वगैरह में वो लोग चलाते हैं, तो वो लोग स्पॉन्सर्ड रहते हैं, तो जैसे उनका क्लच प्लेट वगैरह खराब रहता है तो होता है तो वो लोग तुरंत रिप्लेस कर देते हैं ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए, जबकि हम अपने पैसे से दोस्तों हम लोग बाइक चलाते हैं खरीद करके तो हम लोग इतना स्पेंड नहीं कर पाते हमने बाइक के पीछे। हैंडलिंग जो है बाइक की वो हम लोग थोड़ा ढंग से करें ताकि जो क्लच प्लेट्स है ये हमारा लंबा समय तक चलें। वैसे मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि क्लच प्लेट की उम्र को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, तो स्टे ट्यून्ड उस वीडियो के लिए। और इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।